हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये जो वीडियो है कक्षा 12 गणित का है, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 5.5 चल रही थी, तो उसी का अगला सवाल, सवाल नंबर 8, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ से आपका 8 नंबर का, यानी कि बोर्ड में, यूपी बोर्ड की बात करूं तो 8 अंक का एक सवाल इस एक्सरसाइज से आएगा ही आएगा 100%। इसलिए इन सवालों को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इस सवाल को करते हैं हम सॉल्व। ये है आपका y बराबर साइन एक्स की पावर एक्स प्लस ये है आपका साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ओके, अब देखिए ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, ये वाला फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो हम लॉग लेंगे, लेकिन डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे। जब दो फंक्शन आपको दे रखे हैं, ये प्लस में दे रखा है एक, ये तो इसको मान लेंगे। इसको आप क्या मान लो, यू मान लो, इस फंक्शन को आप वी मान लो, तो ये वाई बराबर यू प्लस वी हो जाएगा। और इसका जब हम अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो ये डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर ये हो जाएगा डी यू बट्टे डी एक्स प्लस डी वी बट्टे डी एक्स, ये हो जाएगा। अब बस आपको करना क्या है, इसको समीकरण एक मान लो, और यहाँ पर ये यू का मान कितना है, यू का मान ये है और वी का मान ये, ठीक है। ये जो है आपका ये पूरा V का मान है और ये जो पूरा ये U का मान है। अब हमारा काम है पहले du बटे dx निकालना, फिर वो निकालना। तो अब हमारे पास U कितना था, U था sin x की पावर x, यही है ना, देख ली sin x की पावर x बस। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही प्यार से, इसमें अब लॉग लेंगे, दो भाग कर दे रहा हूं। लॉग लेने पर लॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग यू इजिकल टू ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स की पावर एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो चीज पीछे होती है, जो चीज घात के ऊपर होती है वो पीछे आ जाती है, तो ये वाला एक्स पीछे आ जाएगा, तो अकॉर्डिंग दिस लॉग यू इजिकल टू एक्स आगे आ जाएगा और ये लॉग साइन एक्स बचेगा इस तरह से। अब यदि मैं इसका अवकलन करूंगा, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे, ये u है तो ये u का, यदि ये x होता तो log x का 1/x हो जाता, क्योंकि ये u है तो u का 1/u हो जाएगा, साथ में du बटे dx आ जाएगा इक्वल टू, इसको करेंगे तो यहां पर देखिएगा, इसको आप पहला फंक्शन मान लो लॉग सहित, इसको आप दूसरा फंक्शन मान लो, तो ये पहला फंक्शन और ये आपका यहाँ पर क्या है, इसको मैंने यहाँ पर एज ए दूसरा फंक्शन मान लिया। तो कैसे करेंगे, पहला फंक्शन जो कहते हो और दूसरे का अवकलन, दूसरा क्या है लॉग साइन एक्स, फिर प्लस लॉग साइन एक्स जो कहते हो और पहले का अवकलन, यानी कि इस x का अवकलन, ठीक है, तो 1/u साथ में ये हो जाएगा du बटे dx इक्वल टू x इनटू, अब ये log, ये यदि x होता तो 1/x हो जाता, इसको आप x मान लो, ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है में x जो दिखाई दे रहा है इसको आप x मान लो, तो x मान लेंगे तो log x का अवकलन कितना होता है 1/x, x की जगह पर हमने क्या माना है sin x, तो sin x को x की जगह पर माना है तो इसका दोबारा से अवकलन हमको करना पड़ेगा, फिर प्लस ये log sin x जो का त्यों है, ओके, इनटू इस x का अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा। अब यहां से हमको तो du बटे dx चाहिए था, तो ये u इधर आ जाएगा, तो ये u इधर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा x और x बट्टे ये हो जाएगा sin x इनटू
और साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस और ये लॉग साइन एक्स हो जाएगा इस तरह से, फिर ब्रैकेट बंद। अब देखिएगा, चाहो तो डी यू बटे डी एक्स बराबर यू, और ये कितना हो जाएगा, अब देखिएगा कॉस बट्टे साइन, इसको हम लिख देंगे एक्स इंटू ये कॉस बट्टे नीचे ये साइन लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और लॉग और ये हो जाएगा साइन एक्स। ओके, अब आपको दिखाई दे रहा है यू का मान रख दो, यू का मान रखने पर यू का मान कितना था, यू का मान देखिएगा, यू का मान ये रहा साइन एक्स की पावर एक्स को ही तो यू माना था, ठीक है, ये यू, तो डी यू बट्टे डी एक्स बराबर साइन एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट, ये हो जाएगा एक्स, और ये देखिएगा ये कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉट एक्स, ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ये डी यू बट्टे डी एक्स की ये वैल्यू निकल आई, इसको थोड़ा सा और रंगीन कर दे रहा हूं मैं, ये आपका एक वैल्यू आपकी निकल आई यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना, ऐसे थोड़ा सा कलरफुल सा अच्छा लगता है, डी यू बट्टे डी एक्स निकल आया। अभी हमारे पास सवाल में क्या था, इस वाले फंक्शन को हमने v माना था, तो v बराबर क्या है, v बराबर हमने क्या माना है, v बराबर हमने माना है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ओके, इसमें अब हम इसका भी x के सापेक्ष, इसका भी हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका करेंगे तो dv बट्टे dx हो जाएगा बराबर, ये यदि यदि ये साइन इनवर्स ये केवल x होता तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाता, x की जगह पर क्या है, ये x की जगह पर अंडर रूट x है, तो जो x की जगह पर होता है उसका दोबारा से अवकलन करते हैं, अंडर रूट एक्स का दोबारा से अवकलन करेंगे। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता रखी है, अंडर रूट एक्स का डायरेक्टली अवकलन कितना हो जाएगा, नीचे करेंगे वन माइनस, और ये अंडर रूट से खत्म हो जाएगा तो एक्स बचेगा इनटू अंडर रूट एक्स का करते हैं अवकलन डायरेक्टली, इसका होता है वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करें तो ये ठीक है, तो डी वी बट्टे डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन, ये दो तो बाहर आ जाएगा इंटू, ये देखिए ये भी अंडर रूट के अंदर है, ये भी अंडर रूट के अंदर है, तो दोनों को मैं अंडर रूट के अंदर लिख दूं, यानी कि वन माइनस एक्स इंटू एक्स, क्योंकि ये भी देखिएगा ये चीज भी अंडर रूट के अंदर है, ये चीज भी अंडर रूट के अंदर है, तो एक बड़ा सा अंडर रूट मैंने लगा दिया और इसके अंदर दोनों की मल्टीप्लाई करके रख दी, या आप dv बटे dx इज इक्वल टू वन अपॉन टू अंडर रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x की मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका निकल कर आ गया dv बटे dx, इसको भी मैं कलरफुल कर दे रहा हूं, ये क्या निकला है dv बटे dx। एक बार में एक सवाल करो, पर कर ऐसा लो कि पेपर तक आपको रिवीजन करने की भी आवश्यकता ना पड़े, ये dv बटे dx निकलाया। अब देखिएगा हमारे पास समीकरण, हमको तो इस वाली चीज का अवकलन करना था, किसका, इस वाली चीज का अवकलन करना था, इसको हमने u मान लिया था, इसको हमने v मान लिया था, जब इसका u और v का अवकलन किया तो dy बटे dx बराबर du बटे dx प्लस dv बटे dx, तो समीकरण एक, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक से, समीकरण एक क्या थी, डी वाई बट्टे डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बट्टे डी एक्स प्लस डी वी बट्टे डी एक्स। अब डी वाई बट्टे डी एक्स की हमको वैल्यू निकालनी है,
तो देखिएगा यहाँ पर du बटे dx, ये साइन x की पावर x कितना है, साइन x की पावर x ब्रैकेट x cot x प्लस log साइन x, चेक कर लो जरा क्या इतना ही है, x cot x प्लस log साइन x। और भैया du बट dv बटे dx की वैल्यू, इसकी तो वैल्यू यहाँ पर दे ही रखी है 1/2 अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ये रहेगा 8 नंबर का सवाल, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका पूरा 8 नंबर का सवाल है, इस तरीके से आपको 8 नंबर का सवाल करना है। ओके चलिएगा यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ के बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका 8 नंबर का पूरा सवाल हो चुका है। देन अब हम अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 9 में, सवाल नंबर 9 देख लेता हूं मैं, सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 9 भी इसी तरीके का है, आपका y इज इक्वल टू आपको दे रखा है x की पावर sin x प्लस sin x की पावर cos x, sin x की पावर cos x, इसका अवकलन करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लो, ठीक है, इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो अतः y बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस v हो जाएगा। इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये कितना हो जाएगा, dy बट्टे dx हो जाएगा बराबर, इस u का अवकलन करेंगे तो du बट्टे dx हो जाएगा प्लस, और ये dv बट्टे dx हो जाएगा। इसको समीकरण एक मान लो, u क्या माना है हमने, u बराबर हमने माना था x की पावर sin x, ये माना है। अब देखिए पहली चीज यहां पे देखिए, ये y बराबर ये वाला फंक्शन दे रखा है, हमको पता है हमको y का अवकलन यानी कि हमको निकालना है dy बट्टे dx निकालना। डायरेक्ट जब फंक्शन की पावर फंक्शन होता है, तो हम लॉग लेते हैं, लेकिन जब दो फंक्शन फंक्शन की पावर फंक्शन प्लस या माइनस दो फंक्शन दे रखे हैं, तब हम क्या करते हैं, पहले एक फंक्शन को u मानते हैं, दूसरे फंक्शन को हम क्या मानते हैं, v मानते हैं, इस तरह से ऐसे करते हैं। तो अब इसका हम दोबारा से इसका अवकलन, एक को u मान लिया, एक को v मान लिया, इसका अवकलन करा dy बटे dx बराबर du बटे dx प्लस dv बटे dx। अब हमारा काम है dy du बटे dx का मान निकालना और dv बटे dx का मान निकालना, इसके लिए ये अब ये फंक्शन के फंक्शन की पावर फंक्शन, अब इसमें लॉग ले लेंगे, लॉग लेने पर दोनों पक्षों में हम लॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा, log u बराबर log x की पावर sin x। अब ये वाला जो sin x है, ये वाला पीछे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, log u इज इक्वल टू sin x इंटू log x आ जाएगा। अब हम इसका क्या कर देंगे, अवकलन, इसका अवकलन, तो अवकलन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे अवकलन, d अपॉन डी एक्स इस log u का अवकलन करेंगे, d अपॉन डी एक्स और ये है आपका sin x इंटू log x, इसका आप अवकलन करेंगे। चलिएगा इसका यदि ये x होता तो इसका 1/x हो जाता, क्योंकि ये u है तो 1/u हो जाएगा, u है तो इसका दोबारा से अपना अवकलन करना पड़ेगा du बटे dx। ऐसे ये दो फंक्शन है तो इसको आप पहला फंक्शन मान लो, इसको आप दूसरा फंक्शन मान लो, तो पहला फंक्शन जो का त्यों रहेगा, दूसरे का अवकलन करना पड़ेगा, दूसरा है आपका log x, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन जो का त्यों रहेगा, अब की बार पहले का अवकलन करना पड़ेगा d upon dx sin x। तो अकॉर्डिंग दिस ये कितना 1/u du बटे dx इज इक्वल टू ये साइन एक्स आपका ज्योका त्यों रहेगा इंटू लॉग एक्स का अवकलन करेंगे 1/x हो जाएगा, फिर प्लस ये लॉग एक्स ज्योका त्यों रहेगा इंटू इसका साइन एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग दिस तो ये हम निकालेंगे डी यू बट्टे डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये वाला यू इधर आ जाएगा, यू इधर आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे
साइन एक्स बट्टे एक्स प्लस, इस कॉस को मैं आगे लिख दूंगा कॉस एक्स, और ये यहाँ पर लिख देंगे लॉग एक्स। इस तरह से यू का मान रखने पर, यू का मान रखने पर, जब यू का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, डी यू बट्टे डी एक्स इजिकल टू, यू का मान क्या था, यू का मान ये रहा, यू का मान ये रहा एक्स की पावर साइन एक्स, फिर ब्रैकेट, और ये है आपका साइन एक्स बट्टे एक्स प्लस कॉस एक्स और इनटू लॉग एक्स, ये हो जाएगा। एक पहले हम इसको पहले ऐसे लिख दिया, और एक चीज आपकी निकल कर आ गई है, ये एक चीज आपकी निकल कर आ गई, डी यू बट्टे डी एक्स निकल आया। अब हमारा दूसरा काम क्या है, अब हमारा काम है आगे की चीज को खोजना। क्या अब हम डी वी बट्टे डी एक्स निकालेंगे। ये देखिएगा, वी हमने क्या माना है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स को हमने वी माना था, तो अब इसको लिखेंगे क्या माना है, वी वी हमने माना है साइन एक्स की पावर कॉस एक्स को हमने वी माना। अब ये फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग ले लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे लॉग लेने पर, जब लॉग ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग वी इजिकल टू लॉग साइन एक्स की पावर कॉस एक्स हो जाएगा। आपको पता है ये वाला कॉस एक्स पीछे आ जाएगा, तो लॉग वी इजिकल टू कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसका अवकलन करेंगे, अवकलन, अरे क्या लिख दिया, अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे डी बट्टे डी एक्स इस लॉग वी का अवकलन करेंगे बराबर डी अपॉन डी एक्स इसका कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स इसका अवकलन करेंगे। अब आप लोगों को पता है कि इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ये वाली चीज पहला फंक्शन मानी जाएगी और ये वाली चीज आपको दूसरी फंक्शन। इसका यदि ये एक्स होता तो लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स हो जाता, यहाँ पर वी है तो वन अपॉन वी हो जाएगा, साथ में डी वी बट्टे डी एक्स आ जाएगा बराबर। ये दो फंक्शन गुणा में होते हैं तो पहला वाला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन, यानी कि लॉग साइन एक्स का अवकलन, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन ज्यों का त्यों इनटू पहले वाले फंक्शन का अवकलन, इस तरह से करना पड़ेगा। आगे देखेंगे, आगे इसका करेंगे तो वन अपॉन वी और डी वी बट्टे डी एक्स इजिकल टू ये कॉस एक्स ज्यों का त्यों रहेगा इनटू। अब देखिएगा ये वाली चीज यदि एक्स होती तो ये वन अपॉन लॉग एक्स का अवकलन वन अपॉन एक्स, एक्स की जगह पर साइन एक्स है, साइन एक्स का दोबारा से करूंगा अवकलन तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस ये है आपका लॉग साइन एक्स तो जो कहते हैं इनटू कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, ये चीज आपकी आ जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे हम तो डी वी बट्टे डी एक्स का मान निकालेंगे, वी इधर चला जाएगा ये वी आ जाएगा, और कॉस की देखिए इस कॉस की मल्टीप्लाई इस कॉस में होगी तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे आपका एक्स आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा ये हो जाए नीचे आपका साइन एक्स है, तो फिर ऐसा करो तो ऐसे मत लिखो इसको, देखिएगा आप देखोगे इसको ये कॉस एक्स इंटू ये हो जाएगा कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स। मैंने इस कॉस एक्स की क्या करा है, इस वाले वन की मल्टीप्लाई इस कॉस में कर दी तो कॉस एक्स हो जाएगा ये वाला प्लस प्लस नहीं ये वाला, ये माइनस को मैं बाहर ले ले रहा हूँ, यहाँ पर माइनस का ये हो जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स, इस तरह से ब्रैकेट वी का मान रख देंगे, वी का मान रखने पर v का मान कहाँ है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स ये है, तो डी वी बट्टे
डी एक्स बराबर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स ब्रैकेट कॉस बट्टे साइन, ये कॉस एक्स और कॉस बट्टे साइन क्या हो जाता है, कॉट एक्स हो जाता है माइनस का, ये है साइन एक्स लॉग, ये हो जाएगा साइन एक्स। इस तरह से ये आपका टोटल देखा जाएगा तो ये आपका डी वी बट्टे डी एक्स निकल आया। ठीक है, इसका हम इसको भी डार्क कर देंगे, अच्छा लगता है डार्क करना। ये आपका निकल आया dv बटे dx। अब देखिएगा एक होगा, ये देखिए du बटे dx ये रहा, dv बटे dx ये रहा, हमको निकालना था du, तो समीकरण एक से चलेंगे। समीकरण एक क्या था, dy बटे dx इज इक्वल टू du बटे dx प्लस dv बटे dx। चलिएगा तो dy बटे dx इज इक्वल टू du बटे dx की वैल्यू कितनी थी, x की पावर sin x, x की पावर साइन एक्स ब्रैकेट साइन एक्स बट्टे एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, फिर प्लस और डीवी बट्टे डी एक्स की वैल्यू तो आपको पता है, ये डीवी बट्टे डी एक्स की वैल्यू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स ब्रैकेट कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स लॉग साइन एक्स। इतना बड़ा उत्तर आपका आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, उत्तर यदि बड़ा आता है तो आने दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ पर समस्या की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वन, ये करना है। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, इसको कराएंगे हम कल एक वीडियो में, केवल एक सवाल करो लेकिन कर ऐसा लो इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये 8 अंक का सवाल है, इसलिए इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसको कराएंगे कल। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्री बैच से जुड़ना है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद।